जानते हैं, घोड़े की पीठ पर बैठा इंसान उसका मालिक उसे खूब चाबुक मारता है, तेज भगाने के लिए, रेस में बने रहने के लिए। भले घोड़े को कष्ट होता हो, जख्म होता हो, पर चाबुक मारने वाले को पता है कि मुझे अगर इस घोड़े को जिताना है तो ऐसा करना होगा, और अंत में वही घोड़ा रेस जीत जाता है। ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। अगर आपका शिक्षक, माँ बाप कुछ डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और आपको कष्ट हो रहा हो, तो याद रखिए, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ज़िंदगी की रेस आप जीत जाएं। जानते हैं, उसी पत्थर की पूजा होती है जिस पर सैकड़ों बार चिजल, छेनी, हथौड़े की मार लगी हो, तभी वो आकार लेता है और भगवान बनकर मंदिर में स्थापित होता है। और वास्तविकता में भी देखें तो राम और कृष्ण का जीवन कहाँ आसान था। संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, और हम तो इंसान हैं, पर विश्वास रखिए और लगे रहिए। फिर देखिए, घड़ी औरों की होगी और समय आपका।